हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं प्रदीप हॉस्पिटल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कंपनी क्या करती है, फिर आते हैं चार्ट्स पे और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कब और कहाँ हम लोग को बाइंग करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत क्लियर है नाम से कि फॉस्फेट बिजनेस में है, मतलब फर्टिलाइजर बिजनेस में है और तो और एग्रोकेमिकल कंपनी है। और इनकी मेन चीज़ है कि जानने वाली है फिलहाल, जिनके एनुअल रिपोर्ट में चीज़ दी थी कि आने वाले सालों में अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन की पूरी कोशिश करेंगे जो कि ऑलमोस्ट 50% पहुंच जाए, मतलब 50% और एक्सपैंड हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, नंबर्स पे आते हैं डायरेक्ट। मार्केट कैप देखेंगे तो स्वीट स्पॉट पे है, अभी अभी मिड कैप टर्न हुई है। करंट प्राइस देखेंगे तो 66 की है, बुक वैल्यू देखेंगे 38 की है, बहुत डिफरेंस नहीं है बुक वैल्यू से करंट प्राइस के, तो फेयरली वैल्यूड है कंपनी हमारे यहाँ पे। स्टॉक की पी देखेंगे 13 की है, इंडस्ट्री की पी 10 की है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें भी। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही यहाँ पे अच्छी है, मतलब हाइडन है। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे यहाँ पे हेल्दी है, सेल्स ग्रोथ 21%, प्रॉफिट ग्रोथ 77% और प्रॉफिट मार्जिन 5%। तो ये तीनों डिटेल भी यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट डिटेल होती है ये भी यहाँ पे अच्छी है। डिविडेंड ये लोग नहीं देते हैं। और बाकी नीचे आके देखते हैं यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स में, तो 35.9% CAGR के का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है पिछले 5 सालों में, तो अच्छा खासा एक परसेंटेज यहाँ पे है। और ये कॉन्स के बारे में कुछ खास दिया नहीं यहाँ पे, और कुछ चीज चेक करनी होगी तो डेट और रिजर्व देखेंगे। तो उनकी डेट्स जो है फिलहाल वो हमारे रिजर्व से एक्सीड कर रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है हमारा। मिड कैप कंपनी है, थोड़ा सा इनको अभी संभाल के अपने एक्सपेंसेस और डेट रखने चाहिए इस स्टेज पे फिलहाल। बहुत ज्यादा अग्रेसिव एक्सपेंशन होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आगे चल के। सेल्स देखेंगे तो सेल्स इनके अच्छे खासे नंबर्स हैं, 3000 CR से लेकर 2017 में अभी ऑलमोस्ट डबल हो गई, यहाँ से डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है कंपनी, मार्च 2022 की बात करेंगे तो। और OPM देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहीं ना कहीं 10% के आसपास एवरेज ही रहता है इनका। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा एक्सपेंशन आया है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 3 to 4 times है। नीचे आएंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनका धीमे धीमे बढ़ रहा है यहाँ से, तो एक ये अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे ये भी अच्छा है, और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो ये भी एक्सपैंड कर रहा है, तो कंपनी एक्सपेंडिंग मोड में है यहाँ पे। बस एक नेगेटिव पॉइंट इनका ये आ जाता है कि इनके रिजर्व्स कम है डेट के अकॉर्डिंग। खैर रिजर्व्स इन्होंने धीमे धीमे बढ़ाया है और डेट कुछ खास यहाँ से बढ़ा नहीं है, तो एक चीज़ यहाँ पे ये हम लोग देख सकते हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट तो नहीं कहेंगे अभी फिलहाल, बट फिर भी एक मतलब देख के पता चलता है कि कंपनी अभी ऐसे और यहाँ पे डेट्स अपने बढ़ा नहीं रही है, मैनेज कर रही है। कैश फ्लोज में देखेंगे तो कैश फ्लोज में हमारे थोड़ा यहाँ नेगेटिव है ऑपरेशन से, और कारण जाके देखेंगे तो यहाँ पे रिसीवेबल और इन्वेंट्रीज में नेगेटिव है। इन्वेंट्रीज में नेगेटिव है इसका मतलब कि कंपनी ने गुड्स पहले से अपने जो रॉ मटेरियल हो सकता है पहले से ज़्यादा ऑर्डर कर दिए और इतने सेल्स ना हुए, या कुछ और इनका सेल्स एक्सपेंड करने का या फ्यूचर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ आइटम्स मंगाए होंगे, तो वहाँ पे थोड़ा इन्वेंट्री इनका बढ़ गया, तो वो नेगेटिव है यहाँ पे, उसकी सेल्स हो जाएगी तो अगले साल पॉजिटिव देख सकते हैं हम लोग फिर से अगर होगी तो। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो सिर्फ 2022 का है यहाँ पे, बाकी चार्ट्स पे जाके वॉल्यूम की काफ़ी अच्छे एनालिसिस करेंगे हम लोग। 56% है यहाँ पे प्रमोटर्स की, FIs की 6% है, DIs की 22% है और 15% पब्लिक की है, तो इंस्टीट्यूशंस की दोनों के इंस्टीट्यूशन की और प्रमोटर की यहाँ पे अच्छी होल्डिंग है। यहाँ पे जाके हम लोग वॉल्यूम की एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अच्छा खासा यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है, यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम आ रही है और अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे रनअप दे रहा है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि यहाँ पे हो सकता है कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है इसे। अगर एक्यूमुलेशन होता है धीमे धीमे तो हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है कंपनी के लिए भी, और कंपनी की अगर बहुत ज़्यादा भी समय हुए नहीं है इसको आए लेकिन फिर भी एनालिसिस करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। अभी यहाँ पे कुछ खास स्विंग बना नहीं है, हो सकता है यहाँ से एक बार कुछ स्विंग बना के दोबारा ऊपर रहे, बट अगर पूछेंगे बाइंग कहाँ करेंगे तो बाइंग हम लोग इस लेवल के ऊपर जब भी होल्ड करते हैं हम लोग कर सकते हैं, इस लेवल के ऊपर होल्ड कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर नीचे आता है क्योंकि इसका अभी कोई ट्रेंड फिक्स नहीं हुआ है, बस अभी वाइडली एक रन बना रहा है अपना, हो सकता है आने वाले समय में एक ट्रेंड देख क्लियर पैटर्न बताया कि क्या होगा, बट अभी अगर बाइंग करनी है सिर्फ कंपनी देख के बाइंग करनी है तो इन लेवल्स के ऊपर हम लोग बाय कर सकते हैं। इस लेवल के ऊपर एक बार क्लोजिंग मिल जाए बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस हम लोग या तो इनके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, दूसरा हमारे पास स्टॉप लॉस का क्या है ऑप्शन, यहाँ लगा सकते हैं, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन है हम इस स्विंग के ऊपर लगा लें। यहाँ लगाने से होगा क्या,
ऊपर लगाने से प्रॉब्लम कभी कभी ये होती है सॉरी यहाँ ऊपर लगाने से होता क्या है, कभी कभी स्टॉक ऐसा लगता है कि नीचे आएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट वो वहां से रिवर्सल ले लेता है, दोबारा ऊपर पुल अप हो जाता है। तो इसलिए नीचे का स्टॉप लॉस थोड़ा प्रिफर करना अच्छा होता है। यहाँ से कम जो स्विंग ट्रेडर्स है, कम से कम हम लोग 20-30% लेके जाएंगे जो इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ बैठे हैं। एक्सपेंशन मोड में है तो हो सकता है आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है कंपनी। अभी फिलहाल कोई अपना कुछ खास ऐसे पैटर्न बना नहीं रही है, एक बार कुछ स्विंग बनाए दोबारा नीचे जाके ऊपर आए तो कुछ एक ट्रेंड हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि कैसा अब ट्रेंड में जाएगी, कहाँ सपोर्ट लेगी। अगर कुछ ट्रेंड बनता है तो हम लोग के लिए मतलब मीडियम ऑफ हो जाएगा कि यहाँ तक सपोर्ट ले सकती है कंपनी, फिर यहाँ से एक बार टिप्स पे और ऐड कर सकते हैं हम लोग ऐसे कंपनी में, तो वो एक अच्छा चॉइस हो जाएगा हम लोग के लिए। अब देखते हैं आगे होगा क्या, अभी बहुत ताजी है कंपनी, बहुत नई है मार्केट में, तो उसके हिसाब से मैटर करता है। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। चलेंगे इसी के साथ, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना। ओके बाय।